जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए, माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सौ परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं महादेव की कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मूलांग एक से लेकर नौ तक जिन जातकों के साल 2024 में विवाह के योग हैं उसकी जानकारी दूंगा और यह जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दूंगा। कैसे, अगर आपको जन्म वर्ष ज्ञात नहीं है तो कैसे आप मूलांग से यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि आपकी शादी इस वर्ष होगी या नहीं होगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप केपी की वाणी पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपको बता दें, केपी की वाणी पिछले 5 वर्षों से सेवारत है और अब तक 5000 से अधिक जातकों का मार्ग प्रशस्त किया गया है विवाह हेतु। इसके अलावा अगर आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। ना केवल शादी बल्कि अन्य जानकारी के लिए भी आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य अविवाहित जातक जो असंतुष्ट हैं, जिन्हें मन में भय है, चिंता है कि उनकी शादी होगी या नहीं होगी, उनके लिए यह विशेष कर वीडियो बनाया जाता है और उन्हें मार्ग प्रशस्त किया जाता है। ग्रहों के राशि परिवर्तन के आधार पर प्रथम दिवस से जो यह जानकारी दी जाती है, तो हमारा किसी प्रकार से यह उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि आपको गलत जानकारी दे। अगर आप नाम से यह जानकारी देखते हैं तो इसमें मामूली बदलाव होता है। अगर आपको जन्म वर्ष ज्ञात नहीं है और आपको चंद्र राशि ज्ञात नहीं है और तब आप यह वीडियो देखते हैं तो उसमें मामूली बदलाव अवश्य देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपको चंद्र राशि ज्ञात है, जन्म कुंडली बनी है, तो आपको ग्रहों की राशि परिवर्तन से जो कुछ शुभ और अशुभ प्रभाव आप पर पड़ने वाला है वही जानकारी चैनल के द्वारा दी जाती है। तो आप बने रहें केपी की वाणी से। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी मुझसे कोई त्रुटि या गलती रह जाती है तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मार्ग प्रशस्त कीजिएगा, आपके सलाह पर संज्ञान अवश्य ही लिया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि अब आप विवाह की कुंडली केपी की वाणी से बनवा सकते हैं और यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा रहेगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी। इसके अलावा विवाह जो है अंतर जातीय होगा या अपनी जाति में होगा, अपने धर्म में होगा, अपने समुदाय में होगा या फिर अन्य धर्म में होगा, तो ये तमाम तरह की जानकारी अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुंडली मिलान भी करवा सकते हैं विवाह पूर्व में, इससे भी आपको वैवाहिक जीवन की पूरी जानकारी मिल जाती है कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। आइए अब समय न गवाकर आपको जानकारी देते हैं। तो पहले मैं आपको मूलांक जानना या आपका अपना मूलांक क्या है वह आपको सिखा देता हूँ, कैसे आप यह ज्ञात कर सकते। 1 से लेकर 9 तारीख तक जो भी जातक का जन्म होता है तो उनका मूलांक 1 से 9 के बीच में होता है। यानी अगर आपका जन्म 8 तारीख को है तो 8 मूलांक, 9 तारीख को हुआ तो 9 मूलांक, 5 तारीख को है तो 5। लेकिन 11 से लेकर 31 के मध्य जो है तो आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं जोड़ के जरिए। यानी अगर 11 तारीख को जन्म हुआ है तो 1 और 1 2, यानी कि आपका मूलांक 2 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आप 18 तारीख का जन्म हुआ है तो 1 और 8 यानी कि 9, तो आपका मूलांक 9 हो गया। इसी तरह से 22 तारीख का जन्म हुआ है तो 2 और 2 4, तो आपका मूलांक 4 हो गया। तो इस प्रकार से आप मूलांक ज्ञात कर सकते हैं। मूलांक की संख्या 9 है 1 से 9 तक, और इन्हें में ही जो है 1 से 30 तारीख तक जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक चिन्हित होता है। आइए अब 1 से 8 जो नंबर है उसके बारे में आपको विस्तार से बता देता हूँ। 1 अंक जो होता है भगवान सूर्य का अंक माना गया है। इस अंक के प्रभाव से व्यक्ति के अंदर नेतृत्व की भावना बढ़ती है। 1 अंक वाले व्यक्ति बहुत साहसी होते हैं, वीर होते हैं, पराक्रमी होते हैं, उद्यमी होते हैं। इस अंक पर सूर्य का अधिकार होने से व्यक्ति तेजस्वी ओजस्वी मेधावी होते हैं और
धुन के पक्के होते हैं अपने काम में। एक जो अंक है यानी एक मूलांक वो सूर्य देव का है, दो अंक जो है वो चंद्रदेव का माना गया है, तो इनमें नेतृत्व का अभाव रहता है। चंद्र जो होता है, चंद्र से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं या जिनमें चंद्र जैसे गुण होते हैं वे शांत होते हैं, सुशील होते हैं, सौम्य होते हैं, उनमें नेतृत्व की क्षमता नहीं होती है। वे शांति प्रिय व्यक्ति होते हैं, एक दूसरे के सहयोग करने वाले, मित्रता निभाने वाले ऐसे लोग होते हैं। तो दो मूलांक जो होते हैं वो उसका जो स्वामी है वो चंद्रदेव है। बात करें तीन अंक की, तो तीन अंक का जो स्वामी है वो देव गुरु बृहस्पति है, जो सभी ग्रहों के गुरु है। मूलांक तीन वाले जो व्यक्ति होते हैं बड़े स्वाभिमानी होते हैं, ऐसे व्यक्ति किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करते हैं, इन्हें अपनी स्वतंत्रता से समझौता करना पसंद नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति साहसी, वीर, शक्तिशाली, अविचल, संघर्षशील और श्रमजीवी यानी कि संघर्षशील के साथ मेहनती भी होते हैं। चार अंक वाले यानी चार मूलांक वाले का जो स्वामी है वो राहु है। राहु मायावी ग्रह है और इनकी माया में अगर आप व्यक्ति फंसता है तो फिर वह बाहर निकल नहीं पाता है। तो राहु और केतु दोनों ही मायावी ग्रह हैं, दोनों वक्री चाल चलते हैं अगर ज्योतिष शास्त्र से देखा जाए तो। तो चार मूलांक जो होते हैं उनके जो स्वामी हैं वो चार मूलांक के स्वामी जो हैं वो राहु हैं। ये वैज्ञानिक किस्म के लोग होते हैं, राजनीतिक किस्म के लोग होते हैं, क्रांतिकारी होते हैं। इसके अलावा घमंडी भी होते हैं, अहंकारी भी होते हैं, हठी भी होते हैं, जिद्दी भी होते हैं। अपने कामों में ये निपुण होते हैं, इनमें लेकिन कल्पना शक्ति का अभाव होता है। पांच मूलांक का जो स्वामी है वो बुद्ध है, जो ज्ञान एवं बुद्धि का प्रतीक है। ये बुद्धि, ये व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं। इस मूलांक के व्यक्ति कर्मशील होते हैं, मधुरभाषी होते हैं और हर परिस्थिति में अपने को ढालने में काबिल होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही तार्किक भी होते हैं। तो पांच मूलांक के जो स्वामी है वो बुध है, छह मूलांक के जो स्वामी है वो शुक्र है, तो जो प्रेम एवं शांति का प्रतीक है। छह मूलांक वाले जातक बेहद सुंदर भी होते हैं, इनमें बुढ़ापा देर से आता है, ये कला प्रेमी भी होते हैं, इनमें सौंदर्य के प्रति आकर्षण भी होता है, दीर्घायु होते हैं, स्वस्थ होते हैं, बलवान होते हैं और हंसमुख भी होते हैं। ये छह मूलांक वाले। बात करें सात मूलांक, तो सात मूलांक के जो है वो राहु है, यानी कि राहु और केतु। तो केतु जो है सात मूलांक के स्वामी केतु है, ये भी मायावी ग्रह है, ये शांत चित्त नहीं बैठ पाते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और ये सदैव बदलाव के लिए उत्सुक रहते हैं। इन्हें ट्रेवलिंग में ज्यादा आनंद आता है। अपनी मालिकता के बल पर ये धन अर्जित करने में माहिर होते हैं लेकिन धन को संग्रह यानी इकट्ठा नहीं कर पाते और सामान्य से अधिक खर्च भी करते हैं। केतु और राहु के रहने पर जो है व्यक्ति जो है गलत रास्ते पर भी चलने लगता है। आठ अंक का स्वामी शनिदेव है, जो न्याय के देवता है, कर्म फलदाता है, मोक्ष प्रदाता है। तो अंतर्मुखी प्रवृत्ति के होते हैं ऐसे लोग। ये लोग प्रचार प्रसार से दूर एकनिष्ठ होकर अपने काम में लगे रहते हैं। ये हर बात को गंभीरता से लेते हैं और निश्चल भाव से काम करते हैं। ये लोग धीरे धीरे जीवन में सफल होते हैं और इनके कामों में रुकावट प्रायः आती ही रहती है, प्रायः दुनिया के लिए महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। तो ये आठ ग्रह हैं, आठ ग्रहों का मूलांक मैंने आपको बताया है, एक से लेकर नौ तक का। तो यानी कि अगर आपको देखा जाए तो तीन मूलांक यानी कि तीन ग्रह जो बृहस्पति स्वामी हैं, तो तीन ग्रह के जो स्वामी जो बृहस्पति हैं यानी तीन तारीख के दिन जन्म लेने वाले जातक, ऐसे जातक जिनका जन्म तीन तारीख के दिन हुआ है, बारह तारीख के दिन हुआ जो है, इक्कीस तारीख के दिन जन्म हुआ है, तीस तारीख के दिन जन्मदिन हुआ है, तो ऐसे जातकों के जो है इस वर्ष विवाह के योग प्रबल है क्योंकि गुरु का राशि परिवर्तन हुआ है और गुरु राशि परिवर्तन कर जो है वर्तमान समय में वृषभ राशि में प्रवेश किए हैं और इसके चलते जो है इस राशि के जातकों के विवाह के योग बन रहे हैं। तो मूलांक एक अगर हम बात करें, मूलांक एक चूंकि वृषभ राशि के जातक है तो वृषभ राशि के लिए जो शुभ अंक एक होता है, तो मूलांक एक राशि के जातकों के लिए भी जो विवाह के योग है, इसके अलावा तीन मूलांक के लिए भी विवाह के योग है और फिर आठ मूलांक के लिए भी विवाह के योग है। इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा, पहले मैं आपको मूलांक के बारे में बताता हूँ। तो गुरु जो है लड़कियों के विवाह के कारक है, तो ऐसे जातक जो लड़कियां हैं और जिनका जन्म तीन तारीख के दिन हुआ है, बारह तारीख के दिन हुआ है, इक्कीस तारीख के दिन हुआ है, तीस तारीख के दिन हुआ है, उनके साल 2024 में विवाह की योग। इसके अलावा अगर हम बात करें मूलांक छह की, तो इनके जो है छह का जो मूलांक है उनका जो स्वामी है शुक्रदेव होते हैं। शुक्रदेव जो है लड़कों के विवाह के कारक होते हैं। तो अगर आपका जन्म 6 तारीख के दिन हुआ है, 15 तारीख के दिन हुआ है या 24 तारीख के दिन हुआ है, तो आपका मूलांक हो जाएगा 6 और ऐसे जातकों के विवाह के योग है। वहीं बात करें अचानक से विवाह के योग साल 2024 में किन मूलांकों के हो सकते हैं,
तो मूलांक 8 है, क्योंकि शनि जो है राशि परिवर्तन कर चुके हैं और शनि राशि परिवर्तन कर रखे हैं और शनि वर्तमान समय में कुंभ राशि में विराजमान है। तो कुंभ राशि के जो भी जातक हैं, मकर राशि के जो भी जातक हैं, तो मकर राशि के जातकों के लिए शुभ योग है। अगर आपका जन्म 8 तारीख के दिन हुआ है, 17 तारीख के दिन हुआ है, 26 तारीख के दिन हुआ है, तो इस वर्ष आपके विवाह के योग हैं अगर आप मकर राशि के जातक हैं, जे नाम के जातक हैं। तो वहीं बात करें कि राहु केतु यानी कि 7 मूलांक और 4 मूलांक, तो 4 मूलांक यानी कि राहु और 7 मूलांक यानी केतु। तो जब राहु और केतु का प्रभाव पड़ता है किसी जातक पर तो उस जातक के विवाह के योग 100% बनते हैं, यानी उसका गोचर होता है। तो अगर हम बात करें कन्या और मीन राशि के जातक के और मूलांक से बात करें तो 7 मूलांक 4 तारीख के दिन जन्म लेने वाले जातक के, 22 तारीख के दिन जन्म लेने वाले जातक के, 13 तारीख के दिन जन्म लेने वाले जातकों के 100% विवाह के योग है। तो यानी कि 4 मूलांक के विवाह के योग है, 7 मूलांक के विवाह के योग है, 8 मूलांक विवाह के योग है, 6 मूलांक विवाह के योग है, 3 मूलांक विवाह के योग है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए मूलांक से अगर आप गणना करते हैं तो 3 मूलांक यानी कि 3 तारीख, 12 तारीख और 21 तारीख, 30 तारीख के दिन जन्म लेने वाले जातकों के इस वर्ष विवाह के योग है। इसके अलावा 4 तारीख यानी 4 मूलांक के जातक, यानी अगर 4 तारीख का जन्म हुआ है आपका, इसके अलावा 13 तारीख का जन्म हुआ है, 22 तारीख का जन्म हुआ है, तो आपके विवाह के 100% योग है इस वर्ष। वहीं 6 मूलांक के लिए भी शुभ योग है, शुक्र लड़कों के विवाह के कारक है, तो 6 मूलांक के जातकों के भी विवाह के योग है। वहीं 7 और 8 ये दोनों ही मूलांक के जातक के विवाह के योग हैं। यानी 7 तारीख का अगर आपका जन्म हुआ है, 16 तारीख के दिन अगर जन्म हुआ है, 25 तारीख के दिन अगर जन्म हुआ है, तो विवाह के योग है। वही अगर आपका जन्म 8 तारीख के दिन हुआ है, इसके अलावा 26 तारीख के दिन हुआ है, 17 तारीख के दिन हुआ है, तो भी आपके विवाह के योग साल 2024 में 100% है। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया है, आइए मैं आपको जन्मदिन से बता देता हूँ कि लव मैरिज के योग है या नहीं है। 1 तारीख के दिन जन्म लेने वाले जातकों के लव मैरिज के योग नहीं होते हैं, 2 तारीख के दिन जन्म लेने वाले जातकों के लव मैरिज के योग रहते हैं, 3 तारीख के दिन जन्म लेने वाले जातकों के भी लव मैरिज के योग रहते हैं, 4 तारीख के दिन जन्म लेने वाले जातकों के लव मैरिज कम अरेंज मैरिज के भी योग बनते हैं, 5 तारीख के दिन जन्म लेने वाले जातक माता पिता की सहमति से शादी करते हैं, 6 तारीख के दिन जन्म लेने वाले जातक भी माता पिता की सहमति से ही विवाह करते हैं, 7 तारीख के दिन जन्म लेने वाले जातकों की माता पिता की सहमति से ही विवाह के योग बनते हैं, 8 तारीख के दिन जन्म लेने वाले जातक के लव मैरिज के योग रहते हैं, 9 तारीख के दिन जन्म लेने वाले जातक प्रेम प्रसंग में पड़ने के बावजूद भी आपके लव मैरिज की संभावना नहीं है, इसी प्रकार 10 तारीख के दिन जन्म लेने वाले जातकों की लव मैरिज की संभावना नहीं रहती है, 11 तारीख के दिन जन्म लेने वाले, 12 तारीख के दिन जन्म लेने वाले जातक और 13 तारीख के दिन जन्म लेने वाले जातकों के प्रेम विवाह के योग रहते हैं, 14 तारीख, 15 तारीख और 16 तारीख के दिन जन्म लेने वाले जातकों के प्रेम विवाह के योग कम रहते हैं, इनके लव कम अरेंज होने की संभावना अधिक रहती है, 17 तारीख के दिन जन्म लेने वाले जातकों के लव मैरिज की संभावना अधिक रहती है, 18 तारीख के दिन जन्म लेने वाले जातकों के लव मैरिज की संभावना बिल्कुल ही नहीं रहती है, तो आप प्रेम प्रसंग में है तो प्रेम तक ही बात को सीमित रखें, 19 तारीख के दिन जन्म लेने वाले जातक के लव मैरिज की संभावना नहीं रहती है, 20 तारीख के दिन जन्म लेने वाले जातक, 21 तारीख के दिन जन्म लेने वाले जातक, 22 तारीख के दिन जन्म लेने वाले जातकों के लव मैरिज की संभावना रहती है, 23 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख के दिन जन्म लेने वाले जातकों की लव मैरिज की संभावना ना के बराबर रहती है, 26 तारीख के दिन जन्म लेने वाले जातकों की लव मैरिज की संभावना प्रबल रहती है, 27 तारीख, 28 तारीख के दिन जन्म लेने वाले जातकों की लव मैरिज की संभावना बिल्कुल नहीं रहती है, 29 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख के दिन जन्म लेने वाले जातक माता पिता को लव मैरिज हेतु मनाने में सफल होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको मूलांक से यह जानकारी दी है, जानकारी कैसी लगी आप हमें अवश्य बताएं। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दी, आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे, परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहेगुरु।